मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अग्निपथ योजना के लिए अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की रियायत देने पर केंद्र सरकार का आभार जताया है। चंबा जिले के बनीखेत में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस निर्णय से जहां देश के युवा लाभान्वित होंगे, वहीं वे देश सेवा और अपने उज्जवल भविष्य की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष इस योजना को लेकर ओछी राजनीति कर रहा है और युवाओं को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी योजना की अनाउंसमेंट हुई है और उसका कॉन्सेप्ट जो है देश के समक्ष रखा गया है और जिस योजना से बहुत सारे नौजवानों की एक इच्छा पूरी होगी, जिनको देश सेवा में काम करने की लगन है, देशभक्ति के भाव के साथ नौजवानों को जोड़ना इस योजना का एक प्रमुख बिंदु है। और यही नहीं, उसके साथ साथ में रोजगार की भी बहुत बड़ी संभावनाएं इसमें नौजवानों को उपलब्ध होंगी। एकदम इसका विरोध करना उचित नहीं, और इसका अध्ययन कर लें, इसको समझ लें और उसके बाद फिर आगे बढ़ करके जो नरेंद्र मोदी जी ने एक कॉन्सेप्ट पूरे देश के सामने रखा, देश के नौजवानों के सामने रखा है, जिसको लेकर के विपक्ष के लोग थोड़ा सा ये अनावश्यक रूप से राजनीति कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं है। राजनीति से इसको अलग रखना चाहिए। इस बीच बनीखेत में भाजपा के मंडल मिलन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हुए इस कार्यक्रम में पार्टी से जुड़ी गतिविधियों सहित आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई।